हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बनाया है जो एमबीबीएस कर रहे हैं और उनके एडमिशन के टाइम पर उनका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक छूट न पाए। दोस्तों, सभी स्टूडेंट की इच्छा होती है कि वो नीट में अच्छे नंबर लाकर टॉप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर अच्छे डॉक्टर बने। यह सपना कुछ एक स्टूडेंट का तो पूरा हो जाता है, मगर कुछ स्टूडेंट टॉप के कॉलेज में एडमिशन लेने से वंचित रह जाते हैं और उनको बहुत दुख होता है और ये दुख उनको 5 साल तक ही सताता रहता है कि काश मेरा एडमिशन उस टॉप कॉलेज में हो जाता। मगर दोस्तों, ऐसे स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीट का परफॉर्मेंस सिर्फ कॉलेज मिलना था, अब अच्छा डॉक्टर बनना आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप एमबीबीएस के 5 साल में जितनी मेहनत करके सीखोगे तो ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। दोस्तों, इंस्टीट्यूशन चाहे एम्स हो या फिर अन्य कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, स्टडी के लिए सभी एक ही होती हैं और सिलेबस भी एक ही होता है। ये होता है कि जो टॉप के इंस्टीट्यूशन हैं उसमें कुछ सुविधाएं ज़्यादा होती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी किसी प्राइवेट कॉलेज में डाइसेक्शन के में पूरे एमबीबीएस कंप्लीट होने तक बॉडी ही नहीं दिखाई जाती, वो बात अलग है। लेकिन कुछ एक को छोड़कर बाकी सारे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। आपका अच्छा डॉक्टर बनना डिपेंड करता है कि आप 5 साल में एमबीबीएस में कितनी मेहनत करते हैं और कितना सीखते हैं। जो स्टूडेंट एमबीबीएस के टाइम में अच्छी मेहनत करके अच्छी सिखलाई लेता है, वही स्टूडेंट पीजी में सिलेक्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस कर रहा हो। अदर इंस्टीट्यूशन से स्टडी किया हुआ स्टूडेंट एम्स पीजी में भी एडमिशन ले जाता है, जबकि कोई कोई स्टूडेंट एम्स से एमबीबीएस करने के बाद भी पीजी क्लियर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि अच्छा डॉक्टर वही स्टूडेंट बन पाएगा जो एमबीबीएस की स्टडी के दौरान मेहनत करेगा, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस कर रहा हो। तो जिन स्टूडेंट का उनके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास अच्छे डॉक्टर बनने के लिए अभी काफ़ी समय है। तो मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हुआ हरसाय चोपड़ा आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।